गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, NRP स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। सिक्स क्लास आपका लेसन नंबर 2 चल रहा है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, लेक्चर नंबर 4 हो गया। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 लिया था बच्चों मैंने आपका, उसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन था आपका, तो इसको मैं मूल्यांकन में ले रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या है, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक साथ में रफ कॉपी निकाल लीजिए, उसके अंदर मूल्यांकन का ये क्वेश्चन नोट कीजिए। एक मिनट का समय लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिखना है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, देख लीजिए। प्राचीन समय में लोगों ने किन किन पशुओं को पालतू बनाया और क्यों बनाया? इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप इसको अपने आंसर शीट से जो पहले आपने उत्तर किया उससे मिलान कीजिए और सही होने पर इसके 2 नंबर अंकित कीजिए। गलत है तो उसकी गलती को नोट करो और नेक्स्ट के अंदर आप उस गलती को दोबारा से रिपीट नहीं करोगे, ठीक है ना। कक्षा मूल्यांकन आपकी कॉपियों के अंदर सभी स्टूडेंट्स के मिलने चाहिए। आने वाली क्लासों के अंदर जब भी आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो कक्षा मूल्यांकन प्रथम हम टीचरों को आप दिखाओगे, ठीक है ना। इसके बाद आज आपका लेक्चर नंबर 4 है, इसके लिए मैं आपकी अगला टॉपिक लिख दें। इस क्वेश्चन का आंसर मूल्यांकन चेक करने के लिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर को मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन था आपका, प्राचीन काल में लोगों ने किन किन पशुओं को पालतू बनाया? आंसर भेड़, बकरी, गाय व बैल और साथ में सुअर इत्यादि। अगर आपने एक बार आंसर देख लो, आंसर यही लिखा है तो आप अपने आंसर को चेक कीजिए, सही का टिक लगाइए और 2 नंबर अंकित कर लीजिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था। आंसर गलत है तो कहाँ गलती हुई उसको मैच कीजिए, गोला लगाइए उस पर, ठीक है ना। अब आपका लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक चलता है, उसको ध्यान दें और मूल्यांकनों पर बच्चों ज़्यादा ध्यान दो, इससे आपको आंसर याद होगा। आंसर याद होगा तो हमारी पढ़ाई अच्छी होगी और जब भी क्लास टेस्ट इत्यादि लिए जाएंगे तो आपके उसके अंदर अच्छे नंबर भी आएंगे। नंबर अच्छे होंगे तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अच्छी ही आएगी। तो देखिए, एक नवीन जीवन शैली, लेक्चर नंबर 4 का, एक नवीन जीवन शैली। देखो, नवीन जीवन शैली के बारे में आ रहा है तो प्राचीन लोगों ने जब पशुओं को पालतू बनाया तब लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिले। ये परिवर्तन लोगों को अधिक पशु शक्ति से उत्पादन के बढ़ने को दर्शाते हैं। आगे देखें, उस स्थिति में लोगों ने इनके साथ कुछ नए कामों की स्थिति सामने आने लगी। जैसे मैंने बताया, एक नवीन जीवन शैली, प्राचीन लोगों ने जब पशुओं को पालतू बनाया तब लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिले। ये परिवर्तन लोगों को
या लोगों को अधिक पशु शक्ति, लोगों को अधिक पशु शक्ति से उत्पादन के बदलने या बढ़ने से को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या परिवर्तन देखा, पहले तो देखो। सबसे पहले पशुओं से क्या किया जाने लग गया, पशुओं के साथ और लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, पशुओं के साथ भी देखेंगे, पशुओं के अलावा भी देखेंगे। सबसे पहले बीज बोना प्रारंभ किया, बीज बोने प्रारंभ किए गए। सेकंड है आपका फसलों की कटाई करने के लिए, फसलों की कटाई करने के लिए। थर्ड आपका हो गया, इसके बाद अनाज के उपयोग भी लोगों को आए। एक नवीन जीवन शैली समझने का प्रयत्न कीजिए। नवीन जीवन शैली में क्या हुआ, पहले लोग क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, फिर मैदानी क्षेत्रों में आके बस गए, वहाँ पे जलीय जीवों के को खाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और पशुओं को पालतू बनाना भी प्रारंभ किया। पशुओं को पालतू बनाया, उसके साथ में उन्होंने उत्पादन किया यानी अनाज उपजाने भी लग गए। अब नवीन जीवन शैली परिवर्तन आया, कहाँ वो जंगली थे, जंगली प्रवास के रूप में रहते थे, अब उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया, आग भी जलाना उनको आ गया, स्थायी रूप में रहने भी लग गए, परिवर्तन देखा। तो प्राचीन लोगों ने जब पशुओं को पालतू बनाया तब लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिले। ये परिवर्तन लोगों को अधिक पशु शक्ति के उत्पादन के बढ़ते या को दर्शाते हैं, बढ़ते रहने को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब लोगों ने क्या किया, बीज जो थे उनको बोना प्रारंभ कर दिया था। बीज बोने के लिए उन्होंने हल इत्यादि का प्रयोग किया, वो लकड़ी के बने हुए थे और उन्हें खींचने के लिए उन्हें जानवरों की या पशुओं की आवश्यकता भी थी। सेकंड है फसलों की कटाई करने के लिए, यानी पहले वो शिकार कर रहे हैं लेकिन अब फसल बो रहे हैं, तो फसलों को बो रहे हैं तो उनकी कटाई भी अब वो करेंगे। ये परिवर्तन नया था उनके लिए। अब देखिए अनाज के बारे में देखते हैं, अनाज के उपयोग। इन लोगों ने क्या, पहले पशुओं को खाया, जानवरों को, तो उसके बाद में अब इन्होंने अनाज जो उपजाया है तो अनाज का करते क्या हैं, ये भी तो एक समस्या उत्पन्न हो गई भाई ना। अनाज का कर क्या रहे हैं ये भी तो समझना है ना अपन को। तो अनाज को क्या कर रहे हैं, ये खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, और भी कुछ काम ले रहे हैं, तो देखिए अनाज के उपयोग, अनाज के उपयोग, अनाज के उपयोगों में देखिए पहले ए नंबर पर है आपका बीज के रूप में, बीज के रूप में। दूसरा है आपका बी नंबर पे खाद के रूप में यानी खाने के रूप में, थर्ड नंबर पे आपका उपहार के रूप में, और डी नंबर पे आपका भंडारण के लिए, के लिए। ठीक है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। नवीन हो रहा है, पशु का आ गया, इसमें बोला गया अनाज के उपयोग, अनाज के भी उस समय कुछ उपयोग थे। पहला बीज के रूप, अनाज को बीज के रूप में उपयोग में लिया जाता था ताकि और उत्पादन किया जा सके। बी नंबर पे खाद्य के रूप में यानी खाना खाने के लिए, इसे खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। उपहार के रूप में एक वर्ग दूसरे वर्ग को किसी न किसी रूप में अनाज उपहार में दिया करता था, चाहे वो बीज बोने के लिए देता हो या खाना खाने के लिए देता हो। डी नंबर पे आपका हो गया भंडारण के लिए, भंडारण मीन्स जितने भी यूनिट या इकाई उसने उत्पादित किए उसको खाने योग्य वो यूज़ लेते थे, बाकी बोने के लिए वो बीज इत्यादि को छोड़ दिया करते थे कि भैया आगे अगर पूरा ही अनाज खा गए, मान लीजिए 10 किलो अनाज हुआ, 10 का 10 किलो खा गए तो उगाएंगे क्या, तो इसलिए वो भंडारण भी करते थे बीज के लिए। और बीज के अलावे भंडारण इसलिए किया जाता था, कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है सूखे इत्यादि की या बाढ़ इत्यादि की, तो उस समय के लिए भी उन लोगों के द्वारा भंडारण भी किया जाता
था खाद्यान्न होगा। आगे देखें, अनाज और बीजों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने, इसको मिटा देता हूँ मैं, आगे देखिए, अनाज और बीजों को सुरक्षित रखने के लिए आरंभिक मानव यानी लोगों ने मिट्टी के पात्र या बर्तन बनाए इन पात्रों को या इन बर्तनों को इन लोगों ने धूप या आग में तपाकर कठोर बनाया और इनमें अपने भोजन के रूप में अनाज को सुरक्षित किया। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा नोट देख लीजिए, अनाज और बीजों को सुरक्षित रखने के लिए आरंभिक मानव या लोगों ने मिट्टी के पात्र या बर्तन बनाए, इन बर्तनों को इन लोगों ने धूप या आग में तपाकर या जलाकर कठोर बनाया और इनमें अपने भोजन के रूप में अनाज को सुरक्षित किया। आगे देखिए, जानवरों के बारे में चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका जानवर है पशुओं से लिया गया, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखें, समझने का प्रयत्न कीजिएगा आप लोग। थोड़े समय में देखा परिवर्तन हुआ, परिवर्तनों के साथ देखा जानवरों को पशु, पालतू पशु बनाया गया, मवेशी के रूप में देखा जाने लग गया। अब जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहा गया? खाद्य क्या जानवर खाने के लिए थे, खाने के लिए पाले जा रहे थे क्या, वो देखना है हमें। तो हम इसके द्वारा क्या समझे वो देखो, ये है लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना आरंभ किया और साथ ही साथ उनसे पशु शक्ति के रूप में काम भी करवाए जाते थे।
या करवाए जाने लगे। ठीक है, अब बात ये हो रही थी खाद्य भंडार कैसे हैं, ये तो पशु शक्ति की बात की मैंने। इन पशुओं से, जैसे इन पशुओं से इन लोगों को सामान्य रूप में दूध मांस श्रम शक्ति और उत्पादन में योगदान प्राप्त हो रहा था। इसके अलावा कुछ पशुओं को खाने के लिए मांस के रूप में खाने के लिए भी पालतू बनाया गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में कैसे थे या माने गए। लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना आरंभ किया, बना लिए, और साथ ही साथ उनसे पशु शक्ति के रूप में काम भी करवाए जाते थे, जैसे खेती के लिए हल चलाना, बोझा ढोना, ठीक है, सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनका काम, उनको काम में लिया जाता था। ठीक है, आगे देखें आप लोग, करवाए जाने लगे। इन पशुओं से इन लोगों को सामान्य रूप से क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है। जैसे मवेशी, पशु सारे हो गए, उनमें से मवेशी होते हैं जिनसे दूध प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ, मवेशी, दूध देने वाले कौन कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे गाय हो गई, बकरी हो गई, वह भेड़ हो गई। आप कहोगे भैंस का क्यों नहीं नाम आया, क्योंकि भैंस को जंगली रूप में ही पाला जाता था, यानी जंगली माना जाता था उसको, बहुत बाद में उसको पाला जाने लगा है। तो दूध देने वाले मवेशी हो गए, उनसे दूध प्राप्त हो रहा है गाय बकरी भेड़ इत्यादि से। मांस, कुछ पशुओं को मांस के लिए नहीं खाने के लिए पाला जाता था, तो उनसे मांस भी प्राप्त हो रहा है। श्रम शक्ति, उनसे काम भी करवाया जा रहा है और उत्पादन में योगदान प्राप्त हो रहा है। अगर वो खेती के अंदर उनका यूज लिया जा रहा है, खेत जोतने में, वजन ढोने में, बीज बुवाई करने इत्यादि में, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो उनका योगदान भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पशुओं को खाने के लिए यानी मांस के लिए भी पाला जाता था या पाला गया। मवेशी दूध देने वाले हो गए, गाय बकरी और भेड़, जो समझ में आ गया है। इसके अलावा और भी चीज़ें इनसे प्राप्त की जाती थी या कर सकते थे। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जिस प्रकार से आपके भेड़ से ऊन प्राप्त करना, लेकिन ऊन वर्तमान के जैसे नहीं प्राप्त कर सकते थे। इन लोगों ने ऊन प्राप्त करने के लिए क्या किया, भेड़ इत्यादि का मांस इत्यादि खाया करते थे, और इनकी खाल को कपड़े के रूप में पहना
जाता था ताकि सर्दी से बचा जा सके। ठीक है, आगे देखें, इनकी संख्या में लगातार इजाफा होता गया, इनकी संख्या बढ़ती गई, इनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों ने इनको अधिक से अधिक संख्या में पाला और व्यापार भी किया जाने लगा। कुछ लोग इनको, इन जानवरों को, मवेशियों को, जैसे दूध पी लिया, शेष बचा तो बेच दिया, नहीं उसके उत्पाद तैयार किया करते थे, मांस इत्यादि को अपने परिवार या परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ लोगों के लिए बांटा जाता था। इसके साथ साथ कुछ जानवर हैं जैसे आपके बकरी है, भेड़ है और गाय है, इनको मवेशी के साथ साथ मांस भी के लिए यूज़ ले रहे हैं, काम में लिया जा रहा है और कुछ स्थानों पर इनको बेचने के लिए भी जाया जाता था। ठीक है, ध्यान दें बच्चों, कुछ समझ में नहीं आया एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना आरंभ कर दिया, जैसा पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ लिया था, कैसे किया वो उसमें आ गया। साथ ही साथ उनसे पशु शक्ति के रूप में काम भी करवाते थे। ठीक है, काम भी करवाए जाने लग गया, इन पशुओं से इन लोगों को सामान्य रूप से दूध मिल रहा है जो कि मवेशियों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, मवेशी बता दिए आपको, मांस प्राप्त हो रहा है यानी खाने के लिए मांस भी उपलब्ध हो रहा है, और श्रम शक्ति के रूप में यानी इनसे खेतों में भी इनसे काम करवाए जाने लग रहे थे और उत्पादन में योगदान प्राप्त हो रहा था। इसके अलावा कुछ पशुओं को खाने के लिए यानी मांस के लिए ही पाला जा रहा था, भी पालतू बनाया गया है। मवेशियों की संख्या आपको बता दी, मवेशी कौन कौन दूध देने वाले जानवरों को मवेशी कहा गया है, गाय, बकरी और भेड़। भैंस को इसमें नहीं लिया गया क्योंकि भैंस को उस समय भी जंगली पशु ही माना जाता था, वो शिकार के योग्य ही थी। इसके अलावा भेड़, बकरी और गाय इत्यादि, इनकी चमड़ी को या खाल को ओढ़ने के लिए या कुछ सख्त चीज़ें बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता था और ऊन इत्यादि भी प्राप्त किया करते थे। इस लेक्चर नंबर 4th के HW क्वेश्चन नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1st है आपका, भोजन के अलावा जानवर से और क्या क्या मिलता था। भोजन के अलावा जानवरों से और क्या क्या मिलता था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, प्राचीन लोग पशुओं को किन किन कामों के लिए पालते थे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 4th के ये 2 क्वेश्चन हैं आपके। पहला, भोजन के अलावा जानवरों से और क्या क्या मिलता था, आपको लेक्चर में समझा दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन, प्राचीन लोग पशुओं को किन किन कामों के लिए पालते थे, ये भी आपको आ गया है। बच्चों, आपको ये काम अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है और साथ में आप रीडिंग पर भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद।